ब्रह्मा, कोई भी व्यक्ति किसी चीज की उत्पत्ति के बारे में सोचता है, पहली थॉट किसी व्यक्ति के मन में आती है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा ब्रह्म तत्व है, विच इज प्योरली अनमैनिफेस्टेड एनर्जी। आप इसे क्रिएट कर ही नहीं सकते, और यही वो एकमात्र एनर्जी है जो किसी भी जगह की एनर्जीज को क्रिएट करती है। जितने फील्ड्स आप देख रहे हो, उन वो सारे के सारे देवता फील्ड्स को जो एनर्जी मिलती है वो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड से ही मिलती है। अगर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है तो सारे एनर्जी फील्ड्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे, और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। जैसे कि आपका पेट पेट डिस्टर्ब होता है तो सारी की सारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को साफ सुथरा रखना, अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो एनर्जी फील्ड है जो आपके जीवन में किसी भी चीज की उत्पत्ति के कारक होते हैं, नहीं तो आपके जीवन में कुछ नया होता ही नहीं, आपके जीवन में कोई सोच आती नहीं, आपकी लाइफ स्टक हो जाती है, आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। आपकी लाइफ को बैलेंस करता है ब्रह्मा एनर्जी फील्ड। ब्रह्मा का जो वाहक है ना, वो है हंस। हंस क्या करता है? पानी और दूध को अलग अलग कर सकता है, इतनी क्षमता है उसमें। और सेम ब्रह्मा एनर्जी फील्ड करता है हमारे जीवन में, हमें इतनी अच्छी थॉट्स दे देता है कि हमें समझ आती है कि आपके जीवन में पानी क्या है और दूध क्या है। किसी भी चीज को जब आपको क्रिएट करना है तो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड का सशक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, बट हाँ इन्हें हम अच्छा जरूर कर सकते हैं। कैसे अच्छा कर सकते हैं? ब्रह्मा एनर्जी फील्ड अगर आपको लगे आपका एनर्जाइज नहीं, अगर आपको ये लगे कि आपकी लाइफ इम्बैलेंस्ड है, तो आप ब्रह्मा एनर्जी फील्ड में केसर में कुछ कच्चा दूध मिलाकर उसका छींटा रोज देना शुरू कर दो। आपका ब्रह्मा एनर्जी फील्ड ऑटोमेटिकली एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा। ये फूड है ब्रह्मा का। केसर में दूध मिलाकर अगर आप ब्रह्मा एनर्जी फील्ड में रखते हो तो वो एनर्जी फील्ड आपका ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाता है। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड किसी भी घर में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पर कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। अगर वो डाउन है तो उसकी अगेन रेमेडी कोई नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। अगर वो डाउन है तब भी उस व्यक्ति की लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी कॉज करेगा। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, तब भी इंस्टेबिलिटी ही कॉज करेगा। ये मेरा अब जवाब है जिन्होंने ये कहा था कि सर पिलर टॉम्स बनवाए हुए हैं, दैट इज रॉन्ग। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड एक लेवल पर होना चाहिए हमेशा। बाकी का ऊंचा नीचा हम कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोगों को सिखा दूंगा मैं कि कैसे ऊंचा नीचा करना है। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड पर एक रेमेडी ये, और दूसरी टॉर्टोइस की रेमेडी। टॉर्टोइस की रेमेडी क्यों? टॉर्टोइस जो है विष्णु जी का प्रतीक है, और माना जाता है कि अगर आपके सेंटर में कोई हैवीनेस आ गई है, जैसे कि गलती से कोई पिलर आ गया है किसी बिल्डिंग में, दीवार आ गई है किसी बिल्डिंग में, तो आप टॉर्टोइस को नॉर्थ की तरफ फेस करके अगर रखते हो तो वो टॉर्टोइस अपनी पीठ के ऊपर वो भार लेकर आगे शिफ्ट कर देता है, और आपके वो सेंटर की एनर्जीज को वो रिक्रिएट कर देता है। ये सेकंड रेमेडी है जो आप कर सकते हो।